तो भाई अभी इस समय दोपहर के बज रहे 12 और आज तुम्हारा भाई लेके आ रखा है एक बहुत ही तगड़ी वीडियो कि ड्राइव व्यू में ना भाई कि ज्वाइन कैसे करते हैं, क्या ज्वाइनिंग प्रोसेस है और कैसे कैसे आप ऐप के थ्रू अपनी आईडी एक्टिवेट कर सकते हैं, तो इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो अभी इस समय भाई मेरे पास दो फोन है, एक मेरा फोन है और एक मेरे दोस्त का फोन है। तो इस फोन में मैं आज दिखाऊंगा आपको कि कैसे प्रोसेस होता है। जिनको नहीं पता तो वो इस वीडियो को पूरा देखेगा, और अगर आप इस वीडियो में पहली बार आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि मैं इस वीडियो में ना इन टाइप्स की रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलो चलते हैं इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ना गूगल प्ले स्टोर में जाना है, वहाँ पर आपको ड्राइव व्यू पार्टनर के नाम से एक ऐप होता है, उसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद ओपन करोगे तो देखो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर गेट स्टार्टेड में क्लिक कर देना है, आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। तो मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर पहले डाल देता हूँ। अरे OTP तो आया ही नहीं। अच्छा आ गया। तो भाई देखो मोबाइल नंबर डालने के बाद इस तरीके की डिटेल खुलती है। यहाँ पर देखो क्या क्या मांग रहा है, यहाँ पर आपका फुल नेम, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड नंबर, पैन अकाउंट नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर, और ड्राइविंग आपको कब मिला था और उसकी एक्सपायरी डेट कब है, और जिसने आपको रेफर किया है। तो रेफरल कोड आपको यहाँ पर स्क्रीन में लिखा रहा होगा, आप ये मेरा रेफरल कोड डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको वहाँ पर ये पूछा जाएगा कि आपको किसने रेफर किया है। तो आप मेरा नाम सकते हैं कमल रावत, या फिर आपने YouTube से देखा या सोशल मीडिया से देखा है, तो ऊपर यहाँ पर मेरी रेफरल आईडी आ रही होगी, आप वो डाल सकते हैं। तो चलो पहले मैं इस प्रोसेस को थोड़ा डालता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। हाँ ओके। तो दोस्तों यार देखो सारी डिटेल्स भर देने के बाद आपके पास लास्ट में कुछ इस तरीके से ऑप्शन आता है, ये देखो कि लाइसेंस कब इशू हुआ था, कब एक्सपायर होने वाला है, और आपको रेफर किसने किया है। मैंने अभी आपको बताया था ना कि आप मेरी रेफर आईडी डाल देना जो ऊपर लिखी आ रही है, रेफर आईडी नहीं आएगी ये मुझे पता नहीं था, मैंने अभी देखा। तो रेफर में आपको सिर्फ लिखना है फ्रेंड, ठीक है। और आपको क्या करना है, ऊपर ना ऊपर या फिर नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं ज्वाइनिंग के रिलेटेड। अगर आपको ज्वाइन होना है तो आप मुझे कॉल करके अपना नंबर मुझे दे देना, या आप मुझे कॉल कर लेना, तो मैं वहाँ से क्या करूँगा आपका नंबर फिल करूँगा। तो उससे क्या होता है ना कि आपको 50% ऑफ या मतलब कुछ तो ऑफ मिलेगा। ये देखो जैसे कि मैं ये नंबर छुपा देता हूँ, ये भाई का नंबर है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास इस तरीके से आ जाएगा, नंबर दिख तो नहीं रहा ना, ठीक है। तो इस तरीके से आ जाएगा, देखो मेरे पे यहाँ पर आ जाएगा रिमाइंड, यानी कि ये जो बंदा है इन भाई को मैंने रेफर किया है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर कुछ नहीं करना, अब इसमें लिखा है प्लीज सेलेक्ट व्हीकल टाइप, आप कंफर्टेबल किस में हो, कार, बाइक, बोथ। तो यहाँ पर बोथ में क्लिक करना है आपको लास्ट में, और ऊपर जो डिटेल है आपको तो पता ही होगा जो भरनी होती है, कंटिन्यू में क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू क्लिक करोगे तो इनवैलिड रेफर नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेफर नंबर है फ्रेंड है ना, हाँ जी बोलिए, हाँ जी हाँ जी, आपकी आवाज़ अटक रही है मैम। तो भाई मैं इन भाई के नंबर पे ना इन भाई के आईडी बना रहा था यहाँ पर, और जैसे मैंने भाई कंटिन्यू पे क्लिक किया तो कस्टमर केयर से कॉल आ गया आगे से कि सर आपने अप्लाई किया था, तो लेकिन भाई किसी कारण उसने आवाज़ नहीं आ रही तो कॉल कट कर दिया मैंने। तो रेफर जो ऑप्शन है ना यहाँ पर कुछ मैं डालना, आप इसको खाली छोड़ देना, बस आप नीचे के दिए गए नंबर पे ना मुझसे ना कॉन्टेक्ट कर लेना, तो मैं आपका ना नंबर और फिल कर दूंगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पर कंटिन्यू में क्लिक करके आगे बढ़ाते हैं इसे। अब देखो जैसे हमने आगे बढ़ाया तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट मांग रहा है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस की फ्रंट की फोटो, बैक की फोटो, आधार कार्ड की फ्रंट की फोटो, बैक की फोटो, और पैन कार्ड की फोटो, सॉरी पैन कार्ड, हाँ पैन कार्ड की फोटो डालना है, और यहाँ पर बैंक का अकाउंट नंबर ऐड करना है। ऐड बैंक अकाउंट में क्लिक करेंगे तो देखो बैंक का नंबर आ रहा है। अगर आप यहाँ पैन कार्ड में क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पर फोटो मांग रहे हैं, ठीक है। तो आपको कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ ये चीज़ चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक की डिटेल, बस। जैसे आप सारी चीज़ें फिल कर दोगे उसके बाद मैं आपको आगे दिखाता हूँ। गाइस डिटेल देखो सारी भर दी है, सब में यहाँ पर हरा हरा टिक आ गया होगा, आप देख रहे हो। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है यहाँ पे। लीगल इशू इज नॉट क्रॉस्ड वन ईयर येट, ओके। तो देखो मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ ना, तो क्लिक करने पे देखो यहाँ पे कुछ बता रहा है, इसमें ये बता रहा है कि DL issue date is not cross one year yet। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये कि जो ये ड्राइविंग लाइसेंस है ना ये एक साल इसको अभी कम्प्लीट हो ही नहीं है, तो ये इशू है। अगर इसको ड्राइविंग लाइसेंस को एक साल हो जाएंगे उसके बाद ही इन भाई का बन सकता है। तो गाइस यहाँ पर एक एरर आ चुका है, तो मैं आपको इसके आगे का प्रश्न बता देता हूँ होता क्या है। अगर आप मेरे रेफर के थ्रू अगर आप ज्वाइन होते हो तो आपको 30 days में 150 rupees एक्स्ट्रा मिलते हैं, ठीक है। ये आपको मिलता है, आपको हर 30 days का तो पता नहीं, लेकिन 30 days में 150 मिलता है जैसे कि मेरा ये ऐप बता रहा है। तो अभी तो फिलहाल इन भाई का हो नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये बता रहा है कि 1 year होना चाहिए आपको लाइसेंस को बने में, इनका भी एक साल से नीचे का लाइसेंस है तो इसलिए बन नहीं रहा है। अगर आप इसमें सबमिट में क्लिक करते हो ना तो आपको क्या होगा, आपके पास एक
दो लोकेशन खुल जाएगी, एक खुलेगी लाजपत नगर की और एक खुलेगी सिकंदरपुर की। आप दोनों में से किसी ब्रांच में जाकर वहाँ पर अपनी आईडी खुलवा सकते हो। कुछ नहीं करना, आपको ब्रांच जाना है, वहाँ पर आपकी ट्रेनिंग होगी आधे घंटे की, कुछ पेमेंट आपको करनी पड़ेगी 400 से 500 के बीच में, आपकी आईडी खुल जाएगी और आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी और आपकी आईडी तुरंत ही एक्टिवेट हो जाएगी। वहाँ पर आपसे पूछेंगे आपको मैनुअल में कंफर्टेबल हो या ऑटोमेटिक में कंफर्टेबल हो। अगर आप ऑटोमेटिक बोलोगे तो आपको सिर्फ ऑटोमेटिक ही राइड दी जाएगी, अगर आप मैनुअल बोलोगे तो आपको मैनुअल राइड दी जाएगी। तो ये गाइज इस तरीके का कुछ प्रोसेस है, बाकी की ऐसी वीडियो मैं आपके लिए और भी आगे लेते आता रहूँगा। तो अगर आपको कोई भी ना डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड या फिर इस ऐप में रिलेटेड आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉल करके बात कर सकते हो, और आपको कोई प्रॉब्लम हो या अगर आपको कॉल नहीं लग रहा हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो नीचे, ठीक है। तो आपसे मैं मिलता हूँ ऐसी किसी और नई वीडियो से, तब तक के लिए बाय बाय।